फोन हमारे लिए बना है, हम फोन के लिए नहीं बने हैं। अच्छा रिंग आई, मारो फोन आए, मारो फोन आए, मारो फोन आए, ये सामने बराबर है। हम ऐसा करते तो हमारी रोटी जल जाती। કેટલું યોગ્ય છે આ તમે કયો? અયોગ્ય છે હું સમજી શકું છું। તો આપકા ક્યા કહેના હે કિસકે બારે મે? कुछ भी नाक में उंगली मत डालो। वो तो कुछ भी डालनी पड़ती है। हमारी शादी के 9 साल हुए पापा, तो जयदीप को अभी मेरी कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है। तो जी मॉर्निंग हो चुकी है, ब्यूटीफुल स्टार्ट, मंडे का दिन, चाका जाम दिन। हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सवेरे सवेरे कनिष्क जी थोड़ा गिर चुके हैं और आंख में लग चुका है, आंख के कोने में लगा है, बच गया है। एनीवे गाइस, कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने ऐसा पूछा है कि वो बजरंग भजिया वाला है किधर। भाई वो बजरंग भजिया वाला है ना, वो आउटर नया रिंग रोड जो बना है ना सूरत के बाहर, वहाँ पे, और सुबह 3-4 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। हाँ ये देखिए माँ बेटा अभी लग पड़े हैं एंजॉयमेंट मारने के लिए। घर साफ करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है सुबह से। अबे हम जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो रूम सब कुछ खाली करके सब कुछ रखते हैं, तो वो 2 बहनें आते हैं ना, हाँ। वो फटाफट से क्लीन करने लगे। तो अभी मम्मी बोल रहे हैं कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, मम्मी अभी सबको बता रहे हैं। और अभी हाँ सुबह का नाश्ता पानी हो गया है, दोपहर का कुछ करेंगे। उसको बोलने नहीं देना है। चलिए पापा तो एज यूजुअल दवाई बवाई पीने का, चाका जाम रहने का। मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ वजन थोड़ा बढ़ गया है। किसका? तुम्हारा, मेरा, सबका। बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है। मैंने तो आराम किया ना बहुत ज्यादा, वो फ्रैक्चर की वजह से, इसलिए थोड़ा बढ़ा है। हाँ, चलिए तो आज का सुविचार बता दीजिए। आज का सुविचार है, जीवन में अगर किसी को रुलाकर हवन भी करवा दिया, हाँ हाँ, तो कोई फायदा नहीं है। फायदा नहीं है, बराबर है। अगर रोज एक आदमी को हंसा दिया, हाँ, तो अगरबत्ती जलाने की भी जरूरत नहीं। वो फाइन पापा, वो फाइन। सही बात है। अपनी वजह से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, और अपनी वजह से किसी के मन में ऐसा दर्द नहीं होना चाहिए। और दर्द हो गया उसके बाद हवन भी करवा तो कोई फायदा नहीं होता। तो किसी को भी ऐसा दुख लगे ना, ऐसा नहीं करने का पापा। वेरी गुड। रोज एक को हंसा दो। रोज एक को हंसाने का, हम तो लाखों को हंसाते हैं। तो मजाने का, बराबर, मजाने का, जलाने की जरूरत नहीं है। हंसा दो तो लाइक करो, ठीक है? इसी बात पे बहुत बढ़िया सी लाइक मार दो वीडियो को। चलिए आपका दिन शुभमय हो। थैंक यू। अरे वाह, कहाँ जाने का है आपको? स्कूल जाना है। स्कूल जाना है। सारिका को कुछ ना कुछ मिल जाता है। ओवर एक्टिंग। एक बे कृष्ण लागे छे, ये तो कृष्ण लागे छे। कानो आम कर तो बहुत फाइन लागे, कर तो बहुत फाइन लागे, कानो बहुत फाइन कृष्ण लागे छे। आ तो कृष्ण लागे छे। जो 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 वो बीनू छे। बोलो शांति से उतर जो। हां तो तुम्हारा रूम आज निकाला है? हाँ। तो क्या करने का है इसमें? हो जाए बाद में तेरा रूम। नहीं पर इसमें करने का क्या है? हाँ, पोता लगाना है, बारी बारना धोना है। सरस लियो। तो ये फोटो तो निकाला नहीं तुमने? क्या ये नहीं निकलता? अच्छा फिनिशिंग है ना जो। ओके ओके ओके, हिलता भी नहीं। सरस। तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, आप मजा करो, एंजॉय करो। नीचे आ ओली छोकरी हूँ है ना, એટલે હોલ માં તો હોલ માં આપણે તો ટેબલ મૂકીને થપ્પા કરી દો, કાઈ ન થાય હે ને મમ્મી? હા તો મમ્મી કો ફાઇનલી जो हम लोग कितने दिनों से वो मुरादात थी, जो हम चाहते थे कि हमारे घर पे कोई ऐसा हमको कैरेक्टर मिल जाए जो पूरा का पूरा टाइम मम्मी की सेवा में और सारिका की सेवा में रहे। सेवा माने એટલે वो कनिष्क है ने, हाँ, इसको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हाँ इसीलिए हमको पड़ता है। इसीलिए ये घर पे रहेगी ना। गुड़ का कितना डब्बा चाहिए? लड़की वो सब काम करती है ना, ऐसी मिल गई है। मिल गई है। बोलो। उसको आँख में लगा, पूछो कहाँ लगा? क्या माइक माँ बाप ने क्या कहाँ लगा कनिष्क? क्या वाइगो क्या? चलिए तो पापा ऑर्गेनिक गुड़ लेके आए हैं। हाँ, क्या भाव का लेके आए? ये 60 रुपीज kg। 60 रुपीस? हाँ वो तो थोड़ा ज्यादा दे दिया। 1 kg ऑर्गेनिक होगा? हाँ ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक है। चलिए तो ये ऑर्गेनिक गुड़ आ चुका है। अभी तो वैसे गुड़ का सीजन खत्म हो गया है, फिर भी अभी मिल रहा है। वो डब्बा ले लूँ। और हाँ भाई, लाला भाई के लड़के का पेंडा अभी आया है, देखो प्रीहान। बधु आम तो चाका जाम बहुत बढ़िया। लाला भाई थैंक यू सो मच। प्रीहान नाम बहुत बढ़िया। प्रीहान हमने दूध दिया था। परसों हम गए थे तो लाला भाई ने पूछा कौन सा पेंडा खाना, जयदीप बोले मुझे थापड़े, और मैं बोले मुझे व्हाइट पसंद है, तो दोनों भेज दिए। लाला भाई थैंक यू लाला। और ये देखो अभी मम्मी टेस्टिंग प्रोसेस कर रही है। आ वेकरियो નથી, આ વેકરિયો નથી, ચમચી કાઢી જો તો ખબર આ ચીકણો છે, વેકરિયો હસતો ન કાઈ નઈ। हाल छे पर वो लवे करियो से तो इसे अंदर लवे करियो है ऊपर न हो। पापा मैं क्या बोलता हूँ हाँ। वो ये कुरियर कर देते हैं भूमिका को लंदन। कुरियर का एक वो करे कुरियर ही करने का ना। चलिए तो पापा ने आइसक्रीम की तरह देखो स्कूप निकाल दिया है, बहुत बढ़िया। मम्मी को चखा के ही रहेंगे ऐसा लग रहा है, मम्मी को वे करिया बुलवा के पापा तो भाई 400-500 ग्राम तो ऐसे ही लपेट लेते हैं पापा। और गाइस देखो हमारी हेजू पुराने दिन बॉम्बे का फोटो है, एकदम प्रो लेवल। ये देखो किसी ने हमको स्केच बनवा के दिया था सरस। ये सब हमारे बस सब फोटो बिटो। ये शिवांश है गाइस, देख लो शिव छोटा था तब यहाँ आता तब बहुत बढ़िया फोटो खींचा था। इतना बढ़िया सबके साथ फोटो है, KGF के साथ भी है, मम्मी के साथ भी है, सारी का तब तो नहीं थी। शिवांश के साथ जितने फोटो है ना उतने आदि के साथ नहीं है, और येजू के साथ जितने तो फोटो है ना उतने इसके साथ नहीं। फर्स्ट चाइल्ड ऐसा ही होता है, सेकंड में ध्यान ही नहीं रहता, सेकंड को सिर्फ हम बड़ा ही करते हैं बाकी कुछ नहीं करते। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज के दिन रात को हम लोग जाने वाले हैं डिनर पे, चाय पार्लर पे जाने वाले हैं, अगर कोई हमें मिल भी सकता है वहाँ पे। हाँ कचरा आ गया है। चलो तो हम मतलब ये फोटोग्राफर की वाइफ लोग ओनली लेडीज किटी पार्टी होने वाली है। बाप बेटे मिलके वजन कम करने की ट्राई कर रहे हैं, ये मेरे को सिखा रहा है। ये देखो इसको देखो खानू कैसे करना है। बेटा बेटा कैसे करना है चलो। डैडी को सिखाओ। नीचे नीचे सिट डाउन सिट डाउन। हाँ सिट डाउन स्टैंड अप। अभी करेगा देखो हम लोग 5-10 मिनट से ऐसा कर रहे हैं, सोचा थोड़ा कार्डियो हो जाएगा और पैर की कसरत भी हो जाएगी। अच्छा है ना, मजा आ गया इसको। एनीवे अभी क्या है गाइस, 2-3 दिन पहले वीडियो में कमेंट आई थी कि वो फ्रेम का क्या हुआ। फ्रेम का भी चालू है काम, वो प्रिंटिंग में गया है। अभी सारिका को पुरानी फ्रेमें मिल गई है तो वो प्रिंट करके इसमें डाल देंगे। और ये हमारे कनिष्ठ जैन हमको ऐसा टाइम ऐसा अच्छा स्पेंड करवाते हैं, अभी उसके ऊपर एक्सरसाइज करनी है हमको। वेरी गुड स्टैंड अप लाओ। चलो अभी ये सारी का देखो इसको एक्सरसाइज करवाएगी। बैलेंस बैलेंस करेगा बैलेंस। कानू स्टैंड अप। वेल डन कानू वेल डन। ये क्या पोजीशन है, वेरी गुड। स्टैंड अप डबला दे दूं ना तो परफेक्ट पोजीशन में बैठा है तो जी शाम के बज चुके हैं 5 और बहुत बढ़िया मात्रा में मम्मी और कनिष्क यहाँ पे चकाजाम खेलते हुए। मम्मी हाँ कितना हो गया साफ सुफ? तीनों रूम हो गया, ऊपर हो गया, तीनों रूम हो गया, ऊपर हो गया। अभी हॉल बाकी है, किचन बाकी है, हॉल किचन और दादर दादर और नीचे वाला पार्ट। नीचे वाला पार्ट पहले करने का, मेरे को वो रूम भी साफ करने का है। और आप लोग वेट कर रहे हो ना, मेरे को पता है भजन का, तो भजन का रूम भी साफ करने का है। तो वो रूम तो हो जाएगा, लेकिन पार्किंग बहुत बड़ा है ना, पार्किंग छेले करने का, पार्किंग में बहुत बार लगे। तो क्यों साफ करवाते हो, इससे अच्छा पार्किंग निकाल के गार्डन बना देते हैं। जे होय ने एमा साफ करवानो आ वेज गार्डन होय तो साफ करो। आपका क्या कहना है इसके बारे में? लेडीज लोग को सफा वधारे पसंद है, सफा वधारे पसंद है। हाँ बेटा बोलिए। ये देखो मैंने क्या बनाया। तूने क्या बनाया? वेरी गुड। आजकल ये जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही मात्रा में सब कुछ चीज़ें बनाने में व्यस्त हो रही है। मेरे को लगता है तो बड़ी होके आर्टिस्ट बनेगी। हैं बेटा तेरे को बड़े होके आर्टिस्ट बनना है? क्या बनना है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में क्या बनना है मतलब? आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट डैडी आर्टिस्ट है, वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। अभी तूने वो नेस्ट बनाया ना, अब ये देख तू बना रही है, वो आर्ट है, आर्ट आर्टिस्ट बोलते हैं। जो सारिका जी जो है ना हमारे जो है ना वो मंदिर को वापस से चेंज करने का सोच रहे हैं और हमारे लिए विदाउट शुगर का चाय बना है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज मेरा एक्चुअली में पहला दिन है कि 0 शुगर में जा रहा है। आई फील एक्चुअली फ्रेश, मेरे को ऐसे अंदर से ऐसे हड़वा हड़वा महसूस हो रहा है। वैसे तो मैं 1 वीक से कर रही हूँ। हाँ तो तुझे हड़वा हड़वा नहीं महसूस हो रहा है? लेकिन कल मैंने 2 बर्फ गोले खा लिए, चीट डे था कल। अच्छा चीट डे भी होता है उसमें? हमारा तो चीट डे नहीं आता है। आती चालू करो ना, आती तो मत आता नहीं, चालू करो चालू हो गया है। मम्मी का और सारिका का डिसीजन कुछ ऐसा है कि वो मंदिर चेंज करने को बोल रहे हैं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मंदिर वहाँ से चेंज हो, बट ये लोग अभी कर रहे हैं तो करने देते हैं। कहाँ रखने का है मंदिर? मम्मी के रूम में रखना है। मम्मी के रूम में नहीं जाएगा। मम्मी यार रूम में मत रखो, इससे अच्छा मैं रूम में कहीं वांधो नहीं, रूम में रखवानो, एमां हूं वांधो। अरे रूम में नहीं, एक रूम रसोड़ा में रहता हो, एनो रूम में रखे मैं बोलता हूँ ये डाइनिंग टेबल के बाजू में जगह है, वहाँ पे डाल, वहाँ पे अच्छा लगेगा। क्लीन थी गयो रूम कितलो मस्त, एसी में भगवान बेहे हुए। भगवान जी को एसी में रखने का है। गर्मी लगती है यहाँ पे, उनाड़ा में तो एसी में रखिए भगवान ने, फिर वापस इधर ले लेंगे। ये तो जो ही जाए आगे जाता। अरे यार चेंज मत करो, जो है वो ऐसे रहने दो। तुमको क्या नड़ रहा है वो बताओ, प्रॉब्लम क्या है? नहीं आम कई अलग लागे, थोड़ा करवा दे अपने ट्राई तो करवा दे यार। क्या यार इन लोगों को कुछ ना कुछ। वैसे हमारे घर में मंदिर ही एक ऐसी मतलब वो है कि हम बहुत जगह मतलब सोच लिया यहाँ पे रखे यहाँ पे रखे, हमें भी पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि सामने वो चौकड़ी पड़ती है ना बर्तन वगैरह धोने की, तो हमें लगता है थोड़ा चेंज करें, लेकिन पता नहीं घर में कहीं पे भी सेटिंग ही नहीं आ रहा, तो इस बार हमने सोचा वहाँ पे कर दे। वो भगवान का इशारा है तुमको कि मेरे को चेंज मत करो, वहीं पे रखो। KGF आगे ले है, बोलिए। सो के उठ के चाका जाम, क्या है भाई जिंदगी में? मजे है। मजे है? कितने मजे है? बहुत मजे है न। तभी क्या प्लान बन बनाओ ना यार कुछ उनाड़े का। यार उनाड़े का कल से तो रोजा है। कल से रजा है? किसकी रजा है? कल क्या था वो कैलेंडर में? चेटी चांद, गुडी पड़वा और रमजान, 3 की रजा आ रही है। 3 रजा है। 3 रजा है और शुक्रवार को एक दिन चालू, शनि रवि वापिस से रजा। अच्छा तो अभी मिनी वेकेशन है। मिनी वेकेशन है, ओके देखना। वेरी गुड। ये देखो आर्टिस्ट आ चुकी है कुछ बना के। तो किटी पार्टी का क्या अपडेट है? जाएंगे अभी। क्या पहन के जाएंगे? सारे का तेरे कोट सेट के कपड़े तो मेरे को कोट सेट के बहुत वखाण होते हैं तेरे यार। मेरे है? सभी के बालों के अलावा सभी के वखाण होते हैं। है ना? मेरा फोन बज गया है, किसी का कॉल आया है। तो गाइस फोन आ चुका था तो हमारी बातें थोड़ी अटक गई थी। आप अभी बताइए हमें कि किटी पार्टी में करने क्या वाले हो आप लोग? वो तो हमें भी नहीं पता, मैं लाइफ की पहली किटी पार्टी में जा रही हूँ। अच्छा लेडीज कितनी आ रही है? अभी ग्रुप में तो 7-8 है, उसमें 2-3 नहीं आने वाली है, वहाँ आए तब फाइनल। अच्छा फोन में किसी का फोन आ रहा था। ये फोन जी खा गया है। फोन क्यों आते हैं मेरे को? खा गया, उसमें क्या है, तभी आएगा। फोन हमारे लिए बना है, हम फोन के लिए नहीं बने हैं। अच्छा तो मेरा फोन ज्यादातर साइलेंट ही रहता है। अच्छा कोई भी काम हो तो हम दौड़ के फोन के पास न आ जाए। अच्छा अगर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा तो दूसरी बार आएगा, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा तो घर में किसी के मेंबर होते हैं ना उसको आ जाएगा। तो अच्छा। इसीलिए फोन के पीछे मत दौड़ो। अच्छा सिंपल काम होंगे, हम जब फ्री होंगे तो बैठ के देखेंगे, और मिस कॉल है चलो फोन कर लेते कुछ काम। अच्छा बहुत बढ़िया। इमरजेंसी वाला तो ये सारी का बाबा का कान आपका सुन लो। मर फोन आए ये सामने बराबर से हम ऐसा कर दे तो हमारी रोटी जल जाती। आपको क्या बोलना है इसके बारे में? डिस्टर्ब करे तो रोटी जली जाए ना, बराबर। हमारा तो उठाना पड़ता है पापा, हम धंधा लेके बैठे हैं, हम कैसे वेले थोड़े बैठे हैं। फोन आया तो धंधा का काम भी होता है कभी कभार, ऐसा कोई इमरजेंसी वाला कोई क्लाइंट आया कि हमारी ये डेट है आपको करनी पड़ेगी, तो फोन ना उठाए तो फिर दूसरे और को कर लेता है तो हमारा कट जाता है। ऐसा आप आक्षेप मत डाल दो यार। आक्षेप मैं मेरा बता रही हूँ। अच्छा मैं मेरा ऐसा है, बाकी जिसको फोन प्रत्यय लगाओ वो अपने खींचे में रखे, मैं क्या ना बोल रही हूँ। बाद में ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा फोन का तो घर पे आके घसका देंगे। वो सुन लेने का। आज तक का हमारे परिवार में रिकॉर्ड है, सारिका के घर वाले और हमारे घर वाले सब लोग मेरे को कॉल करके, वो सारिका का फोन कभी भी रिसीव नहीं होता है, कभी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं होता है। सारिका अपना फोन क्यों लिया है ना वही मुझे पता नहीं चलता है। अच्छा फोन लिए दिया है, मैंने सोचा कि कुछ काम करेगी, कुछ भी नहीं। मेरा फोन मैं इस्तेमाल किस लिए करती हूँ, जब भी मैं फ्री दोपहर को मैं फ्री होती हूँ, या कभी कभार मैं जब भी एकदम ऐसा होता है चलो अभी मैं फ्री हूँ तभी मैं किसी के साथ फोन पे बात करती हूँ, क्या शांति से बात हो पाती है। इमरजेंसी हो कुछ काम है तो कर देते हैं, वरना हम लोग अभी इस जमाने में व्हाट्सएप से ही ज्यादा चल जाते, मैसेज छोड़ देते, कभी कभार देख लेंगे तो रिप्लाई कर देंगे। अच्छा अगर मैं चलाला भी बात करती हूँ तो भी दोपहर को या शाम को वैसे ही करती हूँ ताकि शांति से हो पाए। अभी बाद में बच्चों में काम में वैसे मजा नहीं आता, इसीलिए मैं 2 टाइम ही फोन यूज ज्यादा उठाती ही नहीं हूँ। बात तो सही है बहुत बढ़िया। उठाती हूँ मैं, एक्सेप्ट कर रही हूँ। जयदीप ने मुझे वॉच ला के भी दी, सुबह से चार्जिंग हो रही है, अभी भी निकली नहीं है। કેટલું યોગ્ય છે આ તમે કયો? અયોગ્ય છે હું સમજી શકું છું, આ યોગ્ય બહુત ગરમ થઈ ગયું છે તો આ અયોગ્ય વસ્તુ તમે ના કરો પ્લીઝ। મને થોડી ખબર, તમે મને વોચ તો લઈ આપી પણ એને રોજ ચાર્જિંગ માં મૂકી દે ને કોક, उसके लिए एक मानस रखना पड़ेगा। आप भी अयोग्य છે તો આપ હે ના आप मेरी वो चार्जिंग में बना देना। ओके वो પછી છે ને બહુ બધું છે આગળ નહીં વધી જવાનું માપમાં રહેવાનું। तो आपका क्या कहना है किसके बारे में? कुछ भी नाक में उंगली मत डालो वो तो कुछ भी डालनी पड़ती है। सही मस्ती है पापा। हाँ, वो बाल आ जाता है ना कभी कभार पापा का बाल आ जाता है ये तेरे को ज्ञान है क्या? ये नसकोरे में बाहर की साइड में जाड़े बाल होते हैं, अंदर की साइड में थोड़े छोड़े होते हैं, उसके अंदर चिकना पदार्थ आता है ताकि वो जो कचरे बचरे उसमें रोक दे। हाँ, इसीलिए वो कुदरत ने व्यवस्था की है। तो आप निकाल क्यों देते हो? वो व्यवस्था रखो ऐसे ही निकाल नहीं देता हूँ। तू समझा नहीं। ये बाल खूंचे तो खुजली आवे तो ऐसे कर देवे। अच्छा खुजली के लिए। ओके पीएचडी कर दी है। हमारे घर में जो चीज को ऐसे ज्ञान वो तो बहुत है, यूजलेस ज्ञान है, कभी कभी यूजलेस टैलेंट भी है घर में। देना पड़े। बहुत बढ़िया यहाँ पे हंसी छूट गई है कि नाक में बाल क्यों रहते हैं? जब भी हम श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है उसमें जो वो डस्ट जो आती है वो गड़ाई जाए। हाँ वैसे बाल दिए जाते हैं वहाँ पे। गणी है। वाह 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 सरस बहुत। लेकिन आपको दाढ़ी क्यों देते हैं वो अभी तक मुझे पता नहीं। तो सारिका जी को और एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, बता दीजिए। भी मैं पापा को पूछ रही हूँ। हाँ? कि हमारी शादी के 9 साल हुए पापा। हाँ? तो जयदीप को अभी मेरी कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही है, कभी लुक तो कभी खाना तो कभी मेरा रहन सहन, कुछ अभी कम होता जा रहा है। तो अभी 18 साल होएंगे तो बाद में तो ये मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे लगता है। पहले जब सगाई नक्की होती है ना तभी ज़्यादा प्यार थोड़ा होता है, वो मैरिज होता है ना तभी और ज़्यादा होता है। ठीक है। और मैरिज के बाद जब भी बच्चे पैदा होते हैं थोड़े थोड़े बच्चे खिटपिट करते हैं, ऐसा होता है तो चढ़बड़ होती है। उसके बाद जब वड़के होते हैं उसके बाद तकलीफें पैदा चालू ही हो जाती है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती एंड में जब मध्याह्न में पहुंचेंगे तभी तो फाइटिंग भी हो जाती है कभी कभी। कोई फैमिली में ऐसा होता है। लेकिन अपने को स्टडी रखने का ऐसा नहीं होने देना। आप सिखाओ जयदीप को। मैं पापा हूँ सिखावे कि स्टडी रहो, मैं सबसे बेस्ट हूँ। नहीं सही नहीं हूँ। अरे तू तेरे से बेस्ट तो कोई है दुनिया में नहीं है। बस तो पछी हम अच्छा है, मैं अच्छा हूँ भाई ऐसा वो बस। सब लोग आजकल है ना मेरे पे आक्षेप बहुत डालने लग गए हैं, मैं ये हूँ मैं वो हूँ। पापा यार कुछ हेल्प करो ना यार। हेल्प भी करता तू, अच्छा तो है, बहुत अच्छा है ना। बस तो पछी देखो ये जो डैडी कितना अच्छे है, ये जो डैडी गमे मम्मी गमे। टिकट कैंसल थी जाओ हम जी विचारी केजे वैसे नहीं हम एजू के स्कूल में गए थे ना, पेरेंट्स मीटिंग थी, तब एजू क्लास में बैठी थी। जयदीप बोले एजू मन जो नाम जो हग ज કરી દેશે આમ જો જ આવશે। તો જયદીપ એન્ટર પહેલા જ અમે જાવ તમે એજુ તમારી પાસે तो जयदीप ने छोड़ीन मार पावी પોપટ થઈ ગયો, પોપટ હો ગયા। એજુ ऐसा नहीं करने का, डैडी बेस्ट है तेरे लिए है। क्या बेस्ट जी હવે न्याय જ रे बेस्ट पाए रे खड़ी। हेलो भाई मैचिंग हो गया है किटी पार्टी मैचिंग वो फाइन। और वहाँ पे देखो हमारे लाले भाई हैं, ग्रीन डे बाय बाय। तो जी 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। मैं अभी सारिका को रख के आया हूँ किटी पार्टी के एरिया में। और यहाँ पे हमारे मम्मी ने हमारा रूम इतना बढ़िया बना दिया है, ऐसा लगता है अगर रूम में कुछ सामान नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है ऐसे ही चकाचक कितनी जगह दिखती है मम्मी। हमें साफ थी जाए पछी सरस थी जाए ने बहुत सरस थी गयु छे। यहाँ पे हड़वो थे रूम, जैसे हम हड़वे हो गए रूम भी हड़वे हो गए। गाइस चलिए तो ये कॉर्नर जो है वो एकदम परफेक्ट हो चुका है। और जो मम्मी की ख्वाहिश है वो ख्वाहिश अभी पूरी हुई है, देख सकते हो। ये रूम भी चकाचक हो गया है और कान्हा जी यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं। अब ये कान्हा जी की जगह यहाँ पे है बहुत बढ़िया मात्रा में। ये कॉर्नर सेफ करके पूरा का पूरा भगवान का इलाका बना दिया है। और यहाँ पे ऐसा बेड है तो ये रूम ऐसा मंदिर जैसा बना दिया है मम्मी ने। एनीवे अच्छा लगा, जो भी है बढ़िया है, गुड डिसीजन। हमको तो वो बोले ऐसे करने का, उनको मजा आना चाहिए। इसी के साथ आज का वीडियो इधर एंड करते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं तो कर डालो। विल सी यू टुमारो। थैंक यू मस्त। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।